सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। पहली गाल तो रिश्तो.com सिंधन लाए एक डेडिकेटेड मैट्रिमोनियल साइट है। बी गाल रिश्तो.com जी फ्री रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप चार्जेस मेन साइट्स का कंपैरेटिवली घटा है। तो अॼु जे ॾींहं में 34 हज़ारनि खां वधीक सिंधी परिवार रिश्तो.com सां जुड़ियल आहिनि ऐं असांजे वेबसाइट ते रजिस्टर करे हिन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। रिश्तो.com जो चार्जेस फिक्स्ड आहिनि ऐं जेके जाम नॉमिनल आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। हमको अपने बेटे अच्छे से रखनी पड़ेगी, कोई भी बात नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी शिकायत है, आपको कोई भी कुछ बोलता है, आपने कमेटी मेंबर से आके मिलो। हमारा काम है उसको फेस करना, उसको सॉल्व करना, आपको कोई भी बात की तकलीफ नहीं होगी। जींस पैकिंग दुकानदारों को उनका सही हक दिलाने के लिए हाल ही में एक एसोसिएशन बनाई गई है, जहां जींस पैकिंग एसोसिएशन की तरफ से सोमवार शाम को एक बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक उल्लासनगर कैंप 4 कुरला कैंप स्थित स्वामी शांति प्रकाश हॉल में आयोजित की गई थी, जहां बड़ी संख्या में जींस पैकिंग दुकानदार इस बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर करवंदे जी की तरफ से जींस पैकिंग दुकानदारों का मार्गदर्शन किया गया, साथ ही साथ उनकी दिक्कतों, परेशानियों और उनके कई सवालों के जवाब भी दिए गए। जींस पैकिंग दुकानदारों की आपके यूनियन के साथ बैठक हुई, क्या बैठक हुई, क्या बताएं? आज ये बैठक का मेन मुद्दा अपना था कि भाई हम लोग जो धनी लोग के साथ में पैकिंग का कारखाना खोले और जो उनसे जो माल बनाने को लेते हैं उनके रेट के बारे में अपनी चर्चा थी। तो ये सबसे पहला मुद्दा हम लोग ने व्यापारी एसोसिएशन में निकाला, उनसे बात करके वो व्यापारी लोग से चर्चा की, उसके बाद में अपना एक बहुत दो तीन मीटिंग भी हुआ बड़ा बड़ा। तो अभी जैसा भी हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप जा रहे, वो स्टेप बाय स्टेप जाके भाई अपने जितने भाई पैकिंग वाले भाई लोग अपने जुड़े हुए हैं तो उनको बताना अपना काम है। तो व्यापारी लोग से अपना अच्छा सकारात्मक चर्चा हुआ है, जैसा हमको भाव उनसे बढ़ा के लेने का है, रेट बढ़ा के लेने का है। वो धनी लोग से हमने पूरा कैलकुलेशन बताया, 20 पैसे का, 25 पैसे का, धागे का, बटन का या प्रेस का, पैकिंग का, जितना भी खर्चा आता है उनको सब लिखित में हमने दिया है। उसके आगे हमको कितना मिलना चाहिए रेट, वो भी उनको बताया। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने बोला मिलना चाहिए, लेकिन वो उनका कहने का मतलब है भाई आप लोगों के जो गलतियां करते कम रेट में काम कर गए, तो हमारी कोई गलती नहीं, आप लोगों की गलती है, तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए इनको इनका यूनियन स्थापन किया, यूनिटी बनाया है, और यूनिटी के माध्यम से इनको समझाएंगे, अपना एसोसिएशन स्थापित करेंगे, स्थापन करेंगे, उसके बाद में अपना जो रेट फिक्स किया है। पिछली मुलाकात जो आपकी व्यापारियों के साथ हुई थी, जहां व्यापारियों ने कहा था कि रेट कम हम नहीं लेते, लेकिन आपके ही पैकिंग दुकानदार ही अपना भाव कम करके आए। हाँ, जैसे कि मैंने आपकी क्या चर्चा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो मैं मेरा कारखाना है तो मेरे पास कोई लेबल लगाता है या कोई पैकिंग करता है, तो कैसा उसका धनी के पास आवन जावन रहता है, तो धनी को बोलता है सेट मेरे को पैकिंग का खोलने का है, तो क्या करे, तो धनी क्या बोलता है फिर रेट क्या लेगा, तो क्या आप क्या दे सकते हैं। वो भी धनी सोचेगा भाई मेरा 11 रुपया जा रहा है तो मैं इसको 9 रुपया बोलूँ क्योंकि मेरा 2 रुपया बच रहा है, तो अगर वो 2 रुपया बचाने के चक्कर में उसको जो भी सहयोग लगेगा वो धनी लोग देते हैं क्योंकि उनका उधर फायदा हो रहा है, और वो बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन अपना फायदा ही देखेगा। इसके लिए वो हमारे लोगों का ही गलती है, तो इसके लिए हम लोग उसका कड़क शासन रखा है, जैसे कि आपको बोला है उनको कुछ फाइन रखेंगे या उनका कुछ ऐसा भी एसोसिएशन में उसको ये लिया है, डिसीजन लिया है, उनका कारखाना 1 हफ्ते के लिए बंद या 10 दिन के लिए बंद, ऐसा भी कुछ उनके ऊपर डिसीजन करके उसका निर्णय लिया है। सर, पहला तो मैं अपने भाई लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इधर टाइम निकाल के आए, 5 मिनट हमको टाइम दिए और हमारे साथ बैठे, हमारी हर एक बात सुनी, हमारे एक बात। दूसरा रिक्वेस्ट मैं अपने व्यापारी लोगों को करना चाहता हूँ कि 5 नंबर में इतना बड़ा जीन्स रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, वो काम जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत अच्छा चल रहा है। आज की तारीख में ये सब मुद्दा क्यों उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, क्योंकि कोई पैकिंग वाला को हक नहीं मिल रहा है। हक क्या नहीं मिल रहा है, पहले हमारी 10 साल पहले जो हमारी कोटेशन थी, और 10 साल पहले की बात कोटेशन है, 10 साल में लेबर बढ़ गई,
भाड़े बढ़ गए, लाइट बिल बढ़ गए, सब यूनिट टोटल रॉ मटेरियल से लेकर सब बढ़ गए, पर हमारा रेट टोटली कभी कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, यही सुनने आ रहा है। कभी देखा नहीं भाई बढ़ते हुए किसी व्यापारी ने 10 रुपए का। कितने समय से इस व्यवसाय से जुड़े हैं? सर मेरे को लगभग 16 साल हो गया, लगभग 16-17 साल हो गए। तो अभी आप क्या बताएंगे इस यूनियन के? सर मैं यूनियन के लिए इतना बोलना चाहता हूँ, सब अपने यूनियन भाई, सब अपने व्यापारी को कॉपरेट कीजिए, सब अपने व्यापारी लोगों को जितना हो सके इज्जत मान से हर एक बात पे बात कीजिए, उनकी राय लीजिए और सब लोग अपने हक के लिए बताइए, रिक्वेस्ट कीजिए। सर हमको हक नहीं मिल रहा है, हम आगे देखिए जो आज की तारीख में पैकिंग वाले भाग रहे माल लेके, व्यापारी लोग से भी धोखेबाजी नहीं हुए, सब लोग व्यापारी लोग भी हमको साथ दीजिए, हमको हमारा हक दीजिए, बस मेरी यही सबसे विनती है। आपका जो यूनियन के साथ भाव तय हुआ है जी, तो आप उससे कितना सहमत? सर मैं तो बहुत सहमत हूँ, बहुत। और ये जो भाव तय हुआ है तो आपने अपने व्यापारियों से इस बारे में कोई जिक्र किया? सर मैंने 2-3 लोगों को बोला है तो उन्होंने बोला जो सबकी राय होगी वही हमारी राय होगी। मेरा तो पहला अपने जींस पैकिंग जो पैकिंग करते हैं उन लोगों से एक ही राय है, क्या जो मार्केट में चल रहा है रेट तोड़ने का, पहली बात तो जो नए नए लोग आ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने जूनियर लोग हैं उनसे पूछो क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर बाद में धनी के पास जाके अपना रेट बताया करो। जैसा कि जूना वाला रेट समझो 15 रुपया, जो 15 या 10 रुपया पैकिंग होता है, अभी नया वाला जैसा नैनेश्वर भाव ने बता दिया है क्या बाबा 8 रुपये में कर रहे हैं, कोई 7 रुपये में कर रहा है, तो मेरा धनी लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि बाबा हमारा रेट एक निश्चित हो रहा है और निश्चित होने के बाद आप इसके ऊपर कुछ एक्शन उठाए जाए, और अपने जितने भी धनी लोग हैं, जितने भी आपके व्यापारी एसोसिएशन है 1, 2, 3 जो भी व्यापारी एसोसिएशन है उनसे सलाह मसलत करके हमारा जो जल्द से जल्द हाल निकाला जाए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।